हाय दोस्तों, मैं युवराज कटारे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल श्रीराम गैरेज। ये देखिए, जेसीबी 3DX का जो क्रॉस है वो क्रॉस टूट चुका है। ये देखिए, आप देख सकते हैं वीडियो में, इसका क्रॉस टूट चुका है और डब्बी भी इसकी फूट चुकी है सभी। तो ये अभी हाइड्रोलिक पंप तोड़ देता अगर और इसको चलाया जाता तो, लेकिन इसका हाइड्रोलिक पंप बच गया है। नहीं तो ये टूटने के बाद अगर मशीन रनिंग में हो या लोडर मारने में चल रही हो तो ये हाइड्रोलिक पंप तोड़ देता है। तो ये अभी, ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए डब्बी भी फूट चुकी है और क्रॉस का ये मुंह टूट चुका है डायरेक्ट। तो ये अभी बाहर निकलने में था लेकिन ये बच गया है। ये देखिए, ये हमने 19 के बोल्ट खोल के निकालते ही ये डायरेक्ट बाहर निकल आया। मतलब अभी ये डायरेक्ट हाइड्रोलिक पंप तोड़ने के पोजीशन में था लेकिन इसका हाइड्रोलिक पंप बच गया है। तो चलो इसको देखिए, खोल लेते हैं हम। ये यहाँ पे इसको लॉक दिया हुआ रहता है, ये लॉक निकाल लेना है। लॉक निकालने के बाद ये बाहर निकल आएगा। ये देखिए, इस तरह से ये बाहर निकल गया है। अभी हम इसको निकाल लेते हैं पहले। ये देखिए, ये डब्बी इसमें है, ये डब्बी को इस तरह से ठोक के डब्बी अंदर निकल जाती है। उसके बाद निकाल लेना है हमारे ये लॉक। ये देखिए, इस तरह से दोनों तरफ लॉक लगे हुए रहते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये लॉक निकाल लेना है। ये देखिए, इधर ऐसे लॉक पकड़ की मदद से लॉक निकाल लेना है। ये निकल चुका है। अभी ये दूसरी तरफ का भी थोड़ा ठोक के इसका लॉक आसानी से निकल जाता है। इधर भी थोड़ा सा इसको ठोक लेंगे पहले। ये देखिए, इस तरह से इसको थोड़ा ठोक लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ठोकने के बाद इसका लॉक भी आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए, ठोकने के बाद ये लॉक पकड़ आसानी से बैठ जाती है और लॉक निकल जाता है। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा लॉक निकल चुका है। अभी हम इसको क्रॉस को निकाल लेंगे। इस तरह से इसको निकालना है। ये देखिए, इस तरह से रॉड चाहिए ठोकने के लिए, हमें हथौड़ी से इसको ठोकना है तो ये हमारा क्रॉस निकल जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से लकड़े पे रख के इसको ठोकना है। ये देखिए, निकल जाता है। ये देखिए, क्रॉस हमारा निकल चुका है। ये देखिए, क्रॉस हमारा निकल चुका है। ये देखिए, आप देख सकते हैं क्रॉस का एक मुँह डायरेक्ट टूट चुका था, ये पूरा ख़राब हो चुका है और इसकी जो डब्बी है, ये देखिए, ये डब्बी भी फूट चुकी है क्रॉस की। तो चलो अभी हम नया क्रॉस बिठाते हैं। तो ये देखिए, क्रॉस कैसे बिठाना है। इसको इस तरह से एक डब्बी बाहर निकाल लेनी है और इसको ऊपर उठा के रखना है और ऊपर से इस तरह से डब्बी इसको ऊपर से दबा देना है। ये देखिए, इस तरह से उसको ऊपर पकड़ के रखना है और ऊपर से हथौड़ी से इसको ठोक लेना है। इसको ऊपर दबा के पकड़ना है क्रॉस को। अगर आप नीचे छोड़ देंगे तो इसके जो छर्रे आते हैं वो बाहर निकल जाएंगे, इसलिए इसको पकड़ के रखना है जब तक नीचे के इसमें वो बैठ नहीं जाता। देखिए, अभी नीचे बैठ चुका है तो अभी इसको ज़ोर से ठोक सकते हैं। देखिए, अभी इधर हम पहले इसका लॉक लगा लेंगे, उसके बाद उधर से उसको ठोकेंगे। ये देखिए, इधर का नीचे का हम लॉक लगा लेते हैं। ये देखिए, लॉक हमारा लग चुका है। अभी पलटी करके हम उसको इधर से रॉड से ठोकेंगे। ये देखिए, इस तरह से रॉड से ठोकना है जब तक हमारा लॉक का जो गाला है उसमें वो नहीं आ जाता, तब तक इसको ठोकना है। ये देखिए, ये अंदर चला गया है तो अभी हमारा लॉक बैठ जाएगा इसमें। ये लॉक बिठा लेंगे पहले। ये देखिए, इस तरह से लॉक बिठा लेना है। ये देखिए, लॉक अच्छे से प्रॉपर बैठा है, नहीं चेक कर लेना है। उसी तरह से अभी ये दूसरी तरफ का भी ऐसे ही फिट करना है। ये देखिए, डब्बी बाहर निकाल लेना है और डब्बी निकालने के बाद इसको ऐसे फंसा देना है और ऊपर से इस तरह से डब्बी को दबा देना है हाथों से पहले। देखिए, हाथों से दबा के इसको अच्छे से बिठा देना है, उसके बाद हथौड़ी से ठोक के इसको, देखिए, इस तरह से बिठाना है तो क्रॉस आपका अच्छे से बैठ जाएगा। और अभी इसको हम लॉक, इसको थोड़ा ठोक लेंगे और लॉक लगा लेंगे। ये देखिए, इसको थोड़ा ठोक लेना है, इधर से लॉक लगा लेना है। ये देखिए, हमने लॉक लगा लिया है, अभी इसको ठोक लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको ठोकते जाना है। इधर भी लॉक बैठना चाहिए उतना इसको ठोकना है। ये देखिए, अभी हमारा लॉक बैठ जाएगा तो अभी हम इसमें पहले लॉक बिठा लेंगे। ये देखिए, इतना ठोकना है इसको, अभी लॉक बिठा लेना है। ये देखिए, इस तरह से बैठने के बाद इसको घुमा के चेक कर लेना है। ये देखिए, ये इजी मूव करना चाहिए। ये देखिए, दोनों तरफ, ये देखिए, इस तरह से इसको चेक कर लेना है। ये जाम भी नहीं होना चाहिए, ये मूव करना चाहिए। उसके बाद लगा लेंगे हमारा ग्रीस निपल। क्रॉस बिठाते वक्त ग्रीस निपल खोल लेना है पहले। कभी भी अगर लगा हुआ होगा नए क्रॉस के साथ में तो उसको खोल लेना है, क्योंकि बिठाते वक्त ये टूट जाता है। तो इसको पहले क्रॉस बिठा लेना है, उसके बाद निपल लगाना है। उसके बाद ये देखिए, जैसे हमने निकाला था वैसे ही
इसको बिठा लेना है, अंदर डाल देना है और ये जो 19 के बोल्ट हैं हमारे वो मैच करके इसको लगा लेना है चारों बोल्ट। ये देखिए इस तरह से इसको होल मैच कर लेना है। उसके बाद ये 19 के जो हमारे बोल्ट है ये सभी बोल्ट लगा लेना है, चार बोल्ट आते हैं, इसको चारों बोल्ट लगा के फिर इसको अच्छे से टाइट भी कर लेना है। ये देखिए इसको घुमा घुमा के चारों बोल्ट अच्छे से डाल लेना है और उसके बाद में अच्छे से इसको टाइट कर लेना है। इसको पाना 19 का बैठता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको मिले। तो चलो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।